राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे दतिया, जहां मीडिया के सामने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन। जी हां, दतिया पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि गृहमंत्री जी सोच रहे हैं कि हम सदैव गृहमंत्री रहेंगे, वे इसी गलतफहमी के चलते गृहमंत्री मनमाने ढंग से कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन वह कुर्सी से उतरेंगे उस दिन उनको समझ आ जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, सेवड़ा विधायक कुमार घनश्याम सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नहीं है, इसकी वजह से वो बार बार चुनाव की तारीखें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, सो हम क्या कह रहे हैं? इसकी मैं निंदा करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी को इतना बताई देता हूँ, जो कुछ आज वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये ना समझे कि कोई कुर्सी उनकी परमानेंट है, जिस दिन उतरेंगे तो पता पड़ेगा कि क्या हालात होते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से या नौतन मित्रा से डरती है तो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है? क्या मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूँ क्या? आप कहीं लेकर जिला स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है? जिला स्तर पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और खूब जबरदस्त विरोध करेंगे। गृहमंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्थानीय नेतृत्व जिले का समय समय पर बिल्कुल नहीं मिल पाता है, इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? अगर आज भी जिले का कांग्रेस का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह देता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप थोड़ा बहुत संयम में रहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर आप इतना परेशान करेंगे तो फिर हम लोगों से बाद में मत कहिएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।